जी बच्चे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, हमने पहले चैप्टर फोर, पहले जो मैथ्स के थे सेकंड ईयर को हम स्टार्ट किया हुआ था, तो जो फर्स्ट फोर चैप्टर थे वो हमने पहले कवर कर लिए थे, उनके शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से जो भी थे। और नेक्स्ट बच्चे जो हम क्या कहते हैं, इसका जो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ ट्रिक्स देखते हैं, कुछ एमसीक्यूज जो बनते हैं ईटीए के अंदर या हमारे पास किसी भी हमारे पास टेस्ट के अंदर, तो उनको हम आज देख लेते हैं। अच्छा बच्चे, चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है ग्राफ्स के रिलेटेड है, ठीक है बेटा, तो उसके देखते हैं। सबसे पहले बच्चे इस चैप्टर के अंदर है कि व्हाट इज इनइक्वालिटी। व्हाट इज इनइक्वालिटी, क्या होती है इनइक्वालिटी बच्चे? अ रीजन हुज बाउंड्री इज डिफाइंड बाय एसोसिएटेड इक्वेशन। कोई भी रीजन जिसकी बाउंड्री जो होती है उसको हम डिफाइन करते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। मिसाल के तौर पर बच्चे मैं इसके एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे पास कोई भी हमारे पास, मैं सिंपल से यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है बच्चे। मैं कहता हूँ हमारे पास x plus y greater than 1, ठीक है बच्चे, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको एसोसिएटेड इक्वेशन मानते हैं, ये इक्वल को, इसमें इक्वल को कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बच्चे किसी भी ऐसी इक्वेशन जिसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं, जो वो इस एसोसिएटेड इक्वेशन से डिफाइन हो, उसको क्या कहते हैं, इन इक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन इक्वालिटी बच्चे, इन इक्वालिटी की डेफिनेशन आ गई। अच्छा बच्चे, अब कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं। रीजन डिफाइंड बाय वन इक्वालिटी हैज नेवर अ कॉर्नर पॉइंट। बच्चे कोई भी रीजन, या मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ना, तो एक इक्वेशन का कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होता। बच्चे मैं सिंपल से एक इक्वेशन ड्रा करता हूँ, मिसाल के ये हमारे पास है एक्स वाई एक्सिस, ठीक है बच्चे। यहाँ पर मैं कोई भी एक इक्वेशन ग्राफ बनाता हूँ, एक इक्वेशन का ग्राफ बच्चे, वो सिंपल लाइन की फॉर्म आएगा या कर्व की फॉर्म आएगा, जैसे भी, ठीक है। ये एक इक्वेशन है बच्चे, इसका कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा। ये पहले पॉइंट से ये याद रखिएगा कि जब कोई भी हमारे पास इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी हो, तो उसका कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होता। अगर बच्चे टू आर मोर इनइक्वालिटी मे और मे नॉट हैव कॉर्नर पॉइंट्स। अगर बच्चे दो या दो से ज्यादा इनइक्वालिटी की इक्वेशन हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल बात कर लेते हैं बच्चे, यहाँ तो एक लाइन ये है और एक ये लाइन है, तो इनका कॉर्नर पॉइंट बनेगा। यहाँ तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट ना करें, एक ये है और मैं कहता हूँ दूसरी लाइन ये है, सिंपल सी बात कर लेते हैं, अगर ये इंटरसेक्ट ना कर रही है, ठीक है, तो उनकी क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट नहीं बनता। जो एक इक्वेशन होती है इनइक्वालिटी की, वो नेवर मे का कॉर्नर पॉइंट अगर दो हो, तो बच्चे वो कॉर्नर पॉइंट बना भी सकती हैं और नहीं भी बना सकती है, याद रखिएगा। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन क्या होता है? वो रीजन दैट कैन बी इनक्लोज बाय फाइनाइट रेडियस, ठीक है, वो रीजन जो कि फाइनाइट रेडियस के साथ बाउंड, मिसाल के तौर पर बच्चे सर्कल की बात करें, वो एक बाउंडेड रीजन है, ठीक है, स्पेसिफिक रेडियस के साथ या स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ। कोई भी कर्व्स हैं, ठीक है, वो अब ये देखो, ये हिस्सा है, ये इसी किसी की बात करते हैं, तो ये हिस्सा क्या है, बाउंडेड है, ये हिस्सा क्या है, बाउंडेड है, मिसाल के चारों तरफ से क्लोज्ड है। तो इस तरह के जो रीजन होते हैं उनको क्या कहते हैं, बाउंडेड रीजन। ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास इसका कुछ हम बातें देख लेते हैं बच्चे। रीजन डिफाइंड बाय टू और वन इक्वलिटी या फिर टू इक्वलिटी कैन नेवर बी बाउंडेड। अगर बच्चे कोई भी रीजन या तो वन इनइक्वालिटी से हो या टू इनइक्वालिटी इक्वेशन दी गई हो, तो वो रीजन कभी भी बाउंडेड नहीं होता, ठीक है बच्चे। तो अगर हमारे पास, आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा हो, मिसाल के तौर इसी की बात करते हैं, एक इनइक्वालिटी दो, लेकिन ये एक्सेस भी तो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, ठीक है बच्चे, तो इस वजह से। लेकिन अगर सिर्फ हमारे पास वन इनइक्वालिटी हो या दो इनइक्वालिटी हो, तो वो सिंपल वन इनइक्वालिटी और दो टू इनइक्वालिटीज वो कभी भी बाउंड नहीं कर सकती बच्चे। सबसे पहले क्लोज ज्योमेट्री बनाने के लिए सबसे पहले कितने एक्सेस होना चाहिए? हमारे पास सिंपल सी फॉर्म है, वो है कौन सी फॉर्म? सबसे सिंपल सी है, सबसे सिंपल सी फॉर्म हमारे पास है ट्राइंगल बच्चे। अगर मैं कहता हूँ ये ट्राइंगल, ये एक इनइक्वालिटी है और एक ये इनइक्वालिटी की क्वेश्चन है, ये एक इनइक्वालिटी की क्वेश्चन है, जिसको हमने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके हमने किसी ट्राइंगल बनाई हुई। तो बच्चे याद रखिएगा कि तीन इनइक्वालिटीज की क्वेश्चन तो बाउंड कर रही है किसी रीजन को, लेकिन अगर दो हो, दो इस तरह हो बच्चे, दो इस तरह हो, ये कभी भी बाउंड करती हैं किसी स्पेसिफिक रीजन को, नेवर, ठीक है। तो बच्चे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, रीजन डिफाइंड बाय थ्री इनइक्वालिटीज मे आर मे बी बाउंडेड, ठीक है बच्चे। अगर कोई भी रीजन है वो तीन इनइक्वालिटीज, एक या एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि तीन इनइक्वालिटी के साथ हो, मैंने अभी बात कर दी है, अगर कोई भी तीन इनइक्वालिटी के साथ हो, तो वो बाउंडेड हो सकता है, ठीक है बच्चे। बाउंडेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल सिंपल से आपको बताता हूँ,
अगर हमारे पास बचे एक ये है, मैं कहता हूं दूसरी ये है, अगर यहां तो बचे एक थर्ड कंडीशन ये हो सकती है, ये बाउंड हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो एक ये हो एक ये हो और एक इस तरह लाइन हो, बचे मे भी बाउंड हो सकता है, मे और मे नॉट, ठीक होगा। मुझे याद रखिए कि ये कोई भी हमारे पास तीन इनक्वालिटी के साथ जो भी हिस्सा होगा वो बाउंडेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट पे आपको क्लियर हो गया। अच्छा बच्चे, जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बच्चे, फाइव चैप्टर छोटा सा था, इसके बारे में थोड़ा सा देखना था। आगे बच्चे कन्वेक्स और कनकेव और कन्वेक्स रीजन, कनकेव और कन्वेक्स रीजन, इनके बारे में बच्चे हमने थोड़ा सा देखना है। बच्चे याद रखिएगा, इफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन द रीजन लाइज इंटायरली इन द रीजन देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स। मिसाल के तौर पर बच्चे अगर कोई भी ये हिस्सा देखें, इस डायग्राम को गौर से देखें, अगर तो बच्चे कोई भी लाइन इन इन पॉइंट्स को देखो बच्चे, कोई भी लाइन है किसी स्पेसिफिक रीजन में, दो पॉइंट्स को मिलाएं तो उसी के अंदर रहे, तो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों को आपस में क्या किया है, ज्वाइन किया है, तो ये इसी के अंदर है। इस तरह के जो हमारे पास रीजन होते हैं उनको क्या कहते हैं, कन्वेक्स रीजन। कि अगर हम क्या करें, इफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, इफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन द रीजन लाइज इंटायरली इन द रीजन इज कॉल्ड लाइज इंटायरली इन द रीजन इज कॉल्ड कन्वेक्स। और बच्चे इसके कंट्रा पॉजिटिव क्या होगा, कि अगर कोई चीज रीजन अगर दो पॉइंट्स को मिलाया और रीजन के इन साइड ना रहे तो उसको क्या कहते हैं, कनकेव रीजन। इसी की एग्जाम्पल ये देखें बच्चे, हमारे पास एक क्लोज रीजन ये था, क्लोज रीजन कौन सा था, ये वाला, इन दो पॉइंट्स को मिलाया, अगर मैं यहां पर मिलाता हूं यहां पर, तो फिर तो बच्चे ये जो पॉइंट के हिसाब से देखते रीजन क्या होगा, कन्वेक्स। लेकिन यहां पर देखें, यहां पर मिला रहा हूं तो इस क्लोज हिस्से से बाहर जा रहा है, इस क्लोज हिस्से से जब बाहर जाता है तो हम ये किसमें आ जाता है, कनकेव रीजन के अंदर। अब बच्चे इसके बारे में इनकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं बच्चे, रीजन डिफाइंड बाय वन इनक्वालिटी इज ऑलवेज कन्वेक्स। बच्चे अगर कोई भी रीजन जो कि उसकी अगर कोई भी इनइक्वालिटी की इक्वेशन हो और उसको एसोसिएटेड में कन्वर्ट करें, तो कोई भी रीजन डिफाइंड बाय वन इनइक्वालिटी, ठीक है, इज ऑलवेज क्या होगा, कन्वेक्स होगा। मतलब मिसाल के तौर हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास उस एसोसिएटेड इक्वेशन के साथ जो भी रीजन होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा। अगर कोई हमारे पास डिफाइंड हो रहा है एक से ज्यादा से, रीजन डिफाइंड बाय लीनियर इनइक्वालिटी, एक लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी इज कन्वेक्स, बट रीजन डिफाइंड बाय क्वाड्रेटिक और हायर डिग्री इनइक्वालिटी। सिंपल सी बचे, कोई भी इनइक्वालिटी है, मिसाल एक्स प्लस वन ग्रेटर देन वन या एक्स प्लस टू वाई लेस देन जीरो, अगर बच्चे लीनियर इनइक्वालिटी है जिसमें वेरिएबल की पावर वन हो, अगर कोई रीजन इस तरह की इक्वेशन से डिफाइन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स, कन्वेक्स। और अगर कोई रीजन एक्स के प्लस टू टू वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, अगर क्वाड्रेटिक या हमारे पास हायर डिग्री इक्वेशन के साथ कोई रीजन हो, क्या कहते हैं, डिफाइन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, कनकेव रीजन कहते हैं। ठीक है बच्चे, इस रीजन को क्या कहेंगे, कनकेव रीजन। तो ये बच्चे कौन सा रीजन है, कन्वेक्स रीजन। ठीक हो गया, ये समझ आई कि सिंगल इनइक्वालिटी के साथ जो रीजन डिफाइन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स, और जो हायर डिग्रीज इक्वेशन के साथ जो डिफाइन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, कनकेव रीजन कहते हैं। अच्छा बच्चे, इसके जो नेक्स्ट छोटा सा पार्ट है वो हम देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके कुछ इस चैप्टर के अंदर जो आपने इस चैप्टर को करते हुए देखे होंगे। ठीक है बच्चे, सबसे पहले अगर हमारे पास x इज इक्वल टू सी इज अ वर्टिकल लाइन, अगर बच्चे बच्चे x इज इक्वल टू सी, सी क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू टू, x इज इक्वल टू की बच्चे अगर इक्वेशन बनाते हैं तो यहां पर आती है x इक्वल टू वन टू, तो यहां पर x इज इक्वल टू इज अ वर्टिकल लाइन एंड x ग्रेटर देन जीरो, और अगर x क्या होगा, ग्रेटर देन सी होगा, x क्या होगा, ग्रेटर देन सी। सबसे पहले है x इज इक्वल टू सी, ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है, वर्टिकल लाइन, और अगर x ग्रेटर देन सी होगा मतलब c से x की वैल्यू क्या होगी, तो रीजन क्या होगा, हाफ ओपन प्लेन। बच्चे हाफ ओपन प्लेन का मतलब क्या है, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक हो गया हाफ। नेक्स्ट बच्चे अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो राइट हाफ क्लोज प्लेन, तो ये क्या होगा, राइट हाफ क्लोज प्लेन। बच्चे राइट हाफ क्लोज प्लेन आ जाएगा, ये सारे एक सारे हिस्सा आ जाएगा। बच्चे इसके अपोजिट अगर वाई की बात आ जाए तो पहले ये हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, फिर इसका ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, फिर इसका ऊपर वाला क्लोज पूरा हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, इफ वाई इज इक्वल टू सी इज अ, बच्चे अगर वाई की वैल्यू यहाँ पर किसी भी हिस्से पर लेते हैं, वाई की वैल्यू ये वन टू, बच्चे ये वाई की वैल्यू आ गई, तो
इफ वाई इज लेस देन, वाई क्या होगा लेस देन सी, तो लोअर हाफ ओपन बचे, क्या होगा लोअर हाफ ओपन होगा, लोअर हाफ ओपन आ जाएंगे इफ। अब बच्चे लीनियर इक्वेशन की बात आ गई, और अगर बच्चे एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू सी होगा तो लोअर हाफ क्लोज होगा, ये लोअर हाफ ओपन होगा, और अगर ये इक्वल भी साथ आ जाए तो इसको क्या कर देते हैं क्लोज कर, बच्चे ये इक्वल है। अगर ये चीज है, अगर कोई चीज ऐसे हो इसका मतलब है कि लेस देन या ग्रेटर देन हो, ठीक है लेस देन या ग्रेटर देन, अगर ये हिस्सा क्लोज हो जाए इसको क्या कहते हैं इक्वल का साइन भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो, या हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन दी गई इज अ स्लैंट स्ट्रेट लाइन, बच्चे कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो सकती है, अगर तो बच्चे ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन जीरो तो बच्चे ये हमारे पास क्या होगा अपर पार्ट होगा, ठीक है। अगर ये जीरो से ग्रेटर होगा एक्स और वाई की दोनों वैल्यू, मिसाल के तौर पर एक्स की वैल्यू भी हमें टू दी गई है और वाई की वैल्यू भी दी गई है थ्री, और ए और बी दो भी किसी भी इक्वेशन में कॉन्स्टेंट, मैं कहता हूँ टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव है, ठीक है। अगर बच्चे एक्स की वैल्यू टू दी गई है और वाई की वैल्यू वन दी गई है, बच्चे वैल्यू निकाल लें टू टू फोर प्लस थ्री इंटू वन कितना आ जाएगा फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन ग्रेटर देन फाइव, बच्चे अगर तो सेवन ग्रेटर देन फाइव है तो बच्चे क्या है अपर हिस्सा आ जाएगा, तो बच्चे ये जो पॉइंट होगा वो इस लाइन के क्या होगा, अगर ये कोई भी लाइन है इस लाइन की इक्वेशन है तो जो पॉइंट हमने पुट किया एक्स और वाई तो इसके क्या होगा अपर पॉइंट होगा, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर मैं कहता हूँ एक्स इक्वल टू होता और वाई इक्वल टू जीरो होता तो फिर टू लेस देन फाइव आता तो फिर ये पॉइंट क्या होता लोअर आ जाता, ठीक है बच्चे। इस बात की समझ है कि अगर हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन में किसी पॉइंट को पुट करें और वैल्यू कॉन्स्टेंट की वैल्यू से राइट हैंड साइड जीरो से ग्रेटर है तो हम कहते हैं अपर पॉइंट होता है, लाइन से अगर नेगेटिव आए तो लोअर पॉइंट होता है, ठीक हो गया बच्चे। अच्छा बच्चे अगर सिंपल से मैं ये बात करूं कि अगर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है इसके अगर मैं एक्स प्लस वाई हमारे पास एक इनइक्वालिटी है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो अगर हम इसको जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं वो इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है, ठीक है एसोसिएटेड इक्वेशन। बच्चे इफ जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो अगर ये कंडीशन बन जाए, वैसे तो हमने सेकेंडरी की बुक में देखा था जब जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बन जाए तो हम कहते थे ट्रू, ये ट्रू बन जाता है क्योंकि इक्वल तो आ रहा है ना, लेकिन बच्चे ये हमारे पास एक सिंपल मेथड नहीं है। अगर जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए तो बच्चे इसके लिए फिर हम अगर हमने निकालना हो ना कॉर्नर पॉइंट तो बच्चे वो जो स्पेसिफिक आपने क्या कहते हैं अगर हमने इसको देखना हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मिसाल के तौर पर ये रीजन की तरफ बाउंड होगा या ओरिजिन से अवे फ्रॉम द बाउंड होगा, तो बच्चे हम टेस्ट पॉइंट को जीरो अगर हम जीरो जीरो पॉइंट पुट करके टेस्ट पॉइंट निकालते हैं तो हम फिर नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो फिर बच्चे नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि रीजन को किसी और पॉइंट पर जीरो जीरो के बजाय वन वन या टू टू पर इसको क्या करेंगे देखेंगे, देन अगर हम ओरिजिन टेस्ट फेल देन चूज अनदर पॉइंट जो इसके जीरो के क्लोजेस्ट होगा, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का टॉपिक सिंपल सा, चैप्टर नंबर फाइव के हिसाब से कुछ एमसीक्यू जो आते हैं पेपर में एमसीक्यू तो उनको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।